नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और माँ काली प्राण प्रतिष्ठा, जो कि एक तरीके से कलश यात्रा, जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और सभी लोग काली स्थान से यहाँ पे जलभोजी के लिए नबीगंज जो कि पोखर है यहाँ पे काली स्थान दिखाइए थोड़ा, इधर देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और जलभोजी के लिए यहाँ पे आ चुके हैं सभी लोग। और देख सकते हैं कि जलभोजी में काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे हाथी घोड़ा ये सब कुछ चलता है, यहाँ पे सभी चीज़ का व्यवस्था अच्छा था, धांधली जो कुछ भी नहीं हुआ। और मेला भी एक तारीख से ही लगेगा और 7 तारीख तक चलेगा और सुबह शाम दोनों वक्त प्रवचन होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि की जलभोजी भरने का यहाँ पे चालू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे दिखाइए थोड़ा, और देख सकते हैं कि यहाँ पे जलभोजी भरना चालू हो चुकी है। तो नीचे की हाथी है, घोड़ा है, सभी है। हाथी जो कि आप लोग देख सकते हैं कि साथ मतलब विश्वकर्मा भगवान आते हैं, हाथी घोड़ा के साथ में यहाँ पे सब चल रहा है। और चलते चलते यहाँ पे देख सकते हैं कि कड़ी आवे थी देख सकते हैं ऊपर का कड़ी, हाथी घोड़ा सब कुछ यहाँ पे चल रहा है और सभी लोग बहुत धूमधाम से चल रहे हैं। अरे काली मैया की जय, जय। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आज बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे चल रहा है। और आप लोगों से बता दूं कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे है। अभी आप लोग कदम है सर, देखो सर अभी धांधली उन्दू कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, मेरा नाम नागेंद्र कुमार। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे चल रहा है। चल रहा है कि जलभोजी काली स्थान से और जल भोज कर और जा रहे हैं काली स्थान के पास और सभी लोग हैं। कैसे चल रहा है बाबा, ये धांधली तो नहीं हुई, सब अच्छे से चल रहा है ना? खूब बढ़िया से यज्ञ की तैयारी हो गई है, आज जल यात्रा भी था और आप देख रहे हैं कि जल भर करके सभी लोग सभी कन्याएं माताएं बहनें सब लोग चल रही हैं मंदिर के तरफ, यज्ञशाला के तरफ। और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, हमको लग रहा है कि इसमें 5000 कन्याएं लगभग शामिल हुई थी और अपार जन समूह के साथ निर्विघ्नता पूर्वक यह जल यात्रा संपन्न हो रहा। ओम नमः पार्वती पदये हरा हरा महादेव, बोलिए त्रिपुर सुंदरी मैया के, जगत जननी जगदम्बा के, हरदिया वाली मैया के, यज्ञ नारायण भगवान के। लोग मतलब जा रहे हैं शांति पूर्वक और यहाँ पे सभी लोगों का अच्छे से यहाँ पे देखभाल और सब कुछ बढ़िया से रहा। और सभी लोग जितने भी यहाँ पे हैं वो सभी के सभी लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं। और मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि 1 मई से लेकर 7 मई तक महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आप लोग जितने भी भक्तजन हैं 8 बजे रात से लेकर यात्री 11 बजे तक आप लोग जरूर उसमें भाग लें और भाग लेकर इस यज्ञ को सफल बनाएं। और इस यज्ञ का मुख्य अतिथि शंकर तिवारी और श्री राम शर्मा, डॉक्टर श्री राम शर्मा, काफ़ी लोग इसमें जो कि चमनपुरा पंचायत, भगवतपुर पंचायत और आदमीदंग पंचायत सभी के सहयोग से यहाँ पे महायज्ञ कार्यक्रम जो कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आपको देखने को मिलेगा। और 8 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप लोग कार्यक्रम देखेंगे। इसमें रामलीला भी है, रामलीला का भी इसमें काफ़ी
इसमें रहेगा और काफ़ी लोग जो कि देखते हैं भक्तजन सभी लोग इसमें है और सभी लोग का सुविधा बहुत ही अच्छा था और अच्छे से सब कुछ यहाँ पे चलते हुए आ रहा है। और देखते हैं कि यहाँ पे 1 मई से लेकर 7 मई तक कार्यक्रम जो कि महायज्ञ का यहाँ पे रखा गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब भक्तजन है जो कि पैदल पैदल गए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये देख सकते हैं कि सभी लोग अभी पैदल पैदल आ रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे होते रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सम्मेलन से मैं बता दूं आप लोगों से कि कितने भी पहाड़ चढ़ना रहे तो चढ़ जाएंगे। अभिषेक जी बात सही कह रहे हैं ना, तो आप लोगों से सामने देख के चलो सामने आप लोगों से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि 1 मई से लेकर 7 मई तक महायज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और 8 बजे से लेकर उसे एक और बात बता दूँ कि जितने भी भक्तजन हैं उतने दूर पैदल 3-4 किलोमीटर पैदल जाकर और आना, 8 किलोमीटर के लगभग में जाना और आना, ये सब मतलब कितना ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ। और देख सकते हैं कि तमाम लोग इसमें भाग लेकर इस जलभोजी कार्यक्रम को सफल बनाया और 1 मई से लेकर 7 मई तक कार्यक्रम रखा गया है 8 बजे से 11 बजे तक जो कि महायज्ञ कथा वाचक हैं उनका आप लाभ उठाइए। और उसमें रामलीला का भी व्यवस्था रखा गया है, साउंड भी बांधा गया है, देख सकते हैं कि बीजेपी साउंड बाजा ये सब डायरेक्ट चल रहा है। और समय 12:15 तक हो चुका है और 10 बजे से निकला, तो आप लोगों से बता दूं कि ये सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जितने भी हैं थोड़ा ऊपर से कड़ी ऊपर से और सभी के पैरों के नीचे मतलब पानी डाला जा रहा है कि मतलब ये नहीं हो पाएगा। और ये देख सकते हैं कि सभी जल ले लेकर काली स्थान के पास जा रहे हैं। और सम्मेलन एक ऐसा यह है कि कितने भी किलोमीटर अगर चले जाएं तो पैर नहीं दुखता है और सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि छाँ है और सभी व्यवस्था बढ़िया है, पानी भी डाला जा रहा है, सब कुछ बढ़िया से गया ना? हाँ सब बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, सब बढ़िया से चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे माताएं हैं बहनें हैं और जितने भी मतलब ये लोग हैं सभी लोग यानी कि बढ़िया से जल लेकर और काली स्थान के पास गए और सभी लोग बढ़िया से जा रहे हैं। ठंडा अभी मौसम यहाँ पे था तो मैंने रिपोर्टिंग चालू किया और कैमरामैन में अधिकतर बता दूं अभिषेक कुमार जो कि टेकनवास निवासी हैं जो कि फोड़कर कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त चलाते हैं, जिनकी तारीफ़ कितनी भी की जाए तो कम होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं वो कि सारे के सारे लोग बढ़िया से आराम से शांतिपूर्वक यहाँ पे जलभोजी कर कर और रिटर्न काली स्थान के पास जा रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि कथा जो कि 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा, कथा 11 बजे से चलेगा। और मैं आपसे बता दूं कि सभी जितने भी लोग हैं शांतिपूर्वक आइए
और कथा जो कि 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा। और सभी लोगों से मैं बता दूं, अपील करना चाहूँगा कि ये कथा को ध्यान से सुनिए। और देखते हैं कि ये सारे लोग मतलब पैदल वहाँ से जलबूजी कर कर और लगातार चलते हुए जा रहे हैं। मैं बता दूं आपसे कि अभी लड़की लोगों ने भाग लिया था, 5000 लड़की लोग यहाँ पे भाग लिए हुए थे। मैं आप लोगों से बता दूं कि सभी लोग जल लेकर और सभी लोग मतलब जा रहे हैं। आपसे ये माँ काली प्राण प्रतिष्ठा ज्ञान यज्ञ जो कि हरदिया में 1 मई से लेकर 7 मई तक चल रहा है, जिसका ही जलबोजी यहाँ पे हो रहा है। और सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जल लेकर और शांतिपूर्वक यहाँ पे जा रहे हैं। सबके क्या होता है टोटल, तो आप लोगों से बता दूं कि तमाम जितने भी लोग हैं जो आपसे विनती है कि सभी लोग मतलब जलबूजी करने के बाद अपने अपने घर जाएंगे और शाम को मतलब आप लोग 8 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम जो होगा वो कार्यक्रम में भाग लें और शांतिपूर्वक जग का को सफल बनाएं। आपसे बता दें कि तमाम यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब इसमें भाग लिए हुए थे और जलबोजी कर रहे थे। तो मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले सावन आता था और सावन में बहुत प्रॉब्लम होती थी काली स्थान में जाने के बाद, तो उसी के वजह से नया मंदिर बना और नया मंदिर का निर्माण पे ही मतलब ये मंदिर बनाया। उसी के अपने महायज्ञ 1 मई से लेकर 7 मई तक आपको महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम लोग यहाँ पे पैदल जा रहे हैं। और सुविधा भी बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि पानी का छिड़काव दे रहे हैं कि पैरों में छाला यानी कुछ नहीं पड़ जाए। इसलिए तमाम यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और सभी लोग बढ़ते जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि तमाम भक्तजन जो कि इसमें हिस्सा लिए हुए थे, और ऊपर से कीजिए, तमाम भक्तजन हिस्सा लिए हुए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से जलभूजी हुई और जलभूजी कर हरदिया काली स्थान के पास फिर से रिटर्निंग ये लोग जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से बता दूं कि 1 मई से लेकर 7 मई तक महायज्ञ का कार्यक्रम 8 बजे शाम से लेकर 11 बजे रात तक होगा और सुबह में भी एक दोपहर में भी होगा। रामलीला का भी वहाँ पे कार्यक्रम का और रखा गया है जो कि हरदिया में है। और कैमरामैन अभिषेक कुमार पांडे जो भी है जो टेकनवास निवासी है, देख सकते हैं कि काफ़ी भक्तजन यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई इसी के माथे पे कुछ है तो कोई कुछ लेकर। और तमाम यहाँ पे जितने भी हेलो है तमाम यहाँ पे चल रहे हैं और डायरेक्ट चलकर और पानी नीचे डाला गया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम ना होने के वजह से पानी डाला गया। और तमाम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम शांतिपूर्वक जा रहे हैं। जल प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ 1 तारीख से लेकर 7 मई तक मतलब चल रहा है होता नु, और तमाम लोग जल भोजी कर और यहाँ पे जा रही हैं। और देख सकते हैं कि तमाम लोग जैसे कि भगवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ पे चल रहा है और तमाम लोग यहाँ पे जलभोजी कर और 1 तारीख से लेकर 7 मई तक भगवत कथा ज्ञान यज्ञ जो कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जो कि भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। और आप लोगों से बता दूं कि यहाँ पे विनय प्रकाश जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे चमनपुरा पंचायत और भोपतपुर पंचायत और आदमी पंचायत को लेकर सभी लोग का सहयोग से यहाँ पे सफल रहा
ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग जलपूजी करके और यहाँ पे साइड करवा रहे हैं और यहाँ पे फिर से निकाल रहे हैं। यहाँ पे प्रबंध बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है और मैं आप लोगों से बता दूँ कि ये माँ काली प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद् भगवत गता ज्ञान यज्ञ 1 मई से लेकर 7 मई तक चलेगा और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जलभोजी यहाँ पे हुआ और सभी लोगों के मदद से उस जो कि जलभोजी बहुत ही ज़बरदस्त रहा और शांतिपूर्वक यहाँ पे निकल कर और सभी लोग यहाँ पे काली स्थान के पास पहुँच चुके हैं और नबीगंज से होते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि नबीगंज से होते हुए यहाँ पे सभी लोग बराबर निकल कर और किसी बिना प्रॉब्लम के यहाँ पे आ चुके हैं। नबीगंज से जलभोजी भरना हुआ था और देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे मदद करते हुए देखा मैंने और TSF न्यूज़ उन तमाम लोगों को ये करेगी जो कि प्राउड टीचर सभी न्याय यहाँ पे आ रही हैं और सभी लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं और तमाम लोग जितने भी हैं यहाँ पे जो कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जो महायज्ञ है वो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा और बीच बीच में रामलीला का भी यहाँ पे काम चलेगा। तो देख सकते हैं कि सभी लोग उनका मदद यहाँ पे बढ़िया से चला और TSF न्यूज़ आप लोगों को तमाम सभी लोगों को जितने भी जमनपुरा पंचायत और भोपत पंचायत और आदमीनगर पंचायत है तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहेगी क्योंकि इतना लोगों का 5000 से लोग ऊपर थे जो कि जलभोजी में यहाँ पे आए और तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कि बढ़िया से सभी लोग यहाँ पे बोलता नहीं और तन पिछड़ कम सब देख सकते हैं कि जलभोजी लगातार यहाँ पे मदद करते हुए दिखी जो कि हरदिया पंचायत सभी तमाम जितने भी लोग थे चलो घर चले जाओ और सभी लोग जितने भी हैं हेलो कि और पानी मारना और ये करना सभी तमाम लोग से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलेगा जो महाकाली प्राण प्रतिष्ठा ज्ञान सभी और यहाँ पे सभी लोग हैं जो कि भोपतपुर पंचायत के तमाम लोग यहाँ पे सभी लोग मदद करते हुए नजर आए और सभी यहाँ पे बढ़िया से सभी लोग बढ़िया से। अरे भाई हम भी जानते हैं कि आप लोग जल यात्रा से भूखे आए हैं। जलभोजी बहुत ही बढ़िया सफल हुआ तमाम लोग शुक्रिया अदा और ये करना चाहेंगे कि चलिए और चंद्रमन अभिषेक कुमार टेक्नोवास के और साउंड से लेकर हर चीज़ तक यहाँ पे लगातार फोकस सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कर दिया और साइड में हो जाए और सारा साइड हो जाए यात्रा में आप लोग सभी अभी देख सकते हैं अभी ये जो जलभोजी है सफल हुआ कैसा सफल रहा ना सबको बहुत अच्छा